पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित डॉक्टर के एन सिंह के हॉस्पिटल से एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक की पहचान कस्बा निवासी रवि कुमार के रूप में की गई। प्रथम दृष्टया पुलिस यह मान रही है कि रवि कुमार की मौत नशा के सेवन से हुई है। रवि कुमार के बारे में परिजनों ने बताया कि वह काफी दिनों से नशा का आदी था और उसका उपचार भी चल रहा था, किंतु होली के दिन डॉक्टर के एन सिंह के हॉस्पिटल के एक कमरे में रवि कुमार को जब मृत पाया गया, तब अनुसंधान के क्रम में पता चला कि रवि कुमार को बगैर किसी प्रमाण पत्र के ही रूम उपलब्ध कराया गया था। और जिस समय रवि कुमार को रूम दिया गया, उस समय भी रवि नशे की हालत में था। उसके बावजूद गार्ड ने किस आधार पर रवि को बगैर किसी रजिस्टर्ड मेंटेन एवं बिना परिचय पत्र के रूम उपलब्ध करवाया, इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। क्या रवि कुमार अकेला ही आया था या इसके साथ में कोई और भी था, तमाम बिंदु पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। परिजनों ने तत्काल कुछ भी साफ साफ नहीं बताया, किंतु पुलिस लगातार गार्ड, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और परिजनों से पूछताछ कर रही है। अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि युवक ने डॉक्टर के एन सिंह के इस हॉस्पिटल में जमकर शराब पार्टी की और ज्यादा शराब पीने से उसकी मौत हुई है। अब जाँच के बाद ही पता चल कि आखिर किस वजह से उसकी मौत हुई। हॉस्पिटल में कल शाम में लगभग 9 बजे एक व्यक्ति आया और जिसका नाम बताया जा रहा है कि रवि राज है, कस्बा का रहने वाला है और यहाँ पर होटल में वो मतलब अपने आप को दिखाने के लिए उन्होंने रूम भाड़ा पर लिया। और सुबह में गार्ड के द्वारा बताया गया कि वो उनसे बोला गया था कि मुझे तुम 5 बजे उठा देना, हम लाइन में नंबर लगाएंगे और दिखाना है डॉक्टर को, तुम सुबह उठा देना। और सुबह जब उठाने के गया तो वो मृत हालत में पाया गया, उसका पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और उनके द्वारा फिर फ़ोन किया गया मालिक को और फिर उनसे थाना को फ़ोन किया गया। और वर्तमान में उसका अभी उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं मृत्यु के कारण के बारे में। परिजन क्या बताएं सर, मृत्यु का परिजन अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है अभी, लेकिन उनसे बातचीत हो रही है, इंक्वायरी हो रही है कि कैसे यहाँ पर आए, उनसे सारी बात हो रही है। क्या लगता है सर, नशा का सेवन क्या है क्या? प्रथम दृष्टया चूंकि उसके पास में जो सब्सटेंस मिले हैं वो काफी सिगरेट की मात्रा वहाँ पर है, सलाई भी है और हाथ में अभी भी उसके हाथ में अभी भी सिगरेट का एक पीस जो है वो पिए हुए हालत में दिखा जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि वो काफी मात्रा में वो सिगरेट का या नशा का प्रयोग किया है और उसी से उसकी मौत हुई है सर। मौत का कारण तो मैं भी नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन इस पर अनुसंधान चल रहा सर। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने इनके आने का एंट्री नहीं किया अपने डायरी में सर, इसको किस तरह से देखते हैं सर? इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इंक्वायरी करेगी और जो भी इसमें संलिप्तता होगी या कहीं भी कुछ लूप होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।